साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही खास उपाय बता रहा हूं। देखिए एनर्जी जो होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये ऊर्जाएं जो होती हैं यही हमारी लाइफ में वर्क करती हैं। जो कुछ भी हमारी लाइफ में चल रहा होता है सारा काम एनर्जी का होता है। अगर हमारा ऑरा दूषित हो जाता है, यदि हमारा आभा मंडल, हमारी एनर्जी अगर क्लियर नहीं है, यानी कि अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, तो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं घट जो हम नहीं चाहते हैं ऐसी घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। और एक रीजन ये भी होता है दोस्तों हमारे जिंदगी में परेशानी आने का, कि जैसे कभी कभी हम लोग क्या होता है, कहीं रात में कहीं गुजर रहे होते हैं, किसी लोगों के साथ में जा रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द यूज कर देते हैं, जैसे चौराहे से आप निकल रहे हैं या कोई ऐसा वृक्ष है जहां पर कुछ तंत्र मंत्र है वहां से आप निकल रहे हैं, और आपने अपने किसी दोस्त से यदि ये कहा चलो फिर आना, तो ये नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, ये अपने आप को समझ देती है कि आपने उनको आमंत्रण दिया है। कभी चौराहे में ऐसे शब्द यूज कर देते हैं या कोई भी ऐसी क्रिया हो जाती है जिसके कारण आपकी जिंदगी में परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो जब तक इस नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से रिमूव नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, तब तक कोई ना कोई परेशानी आपकी लाइफ में लगी रहेगी। और सबसे देखिए आपकी जिंदगी जो है, जितनी आवश्यकताएं आपकी सब कुछ पूरी होती है आपके धन से, तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है सबसे पहले आपके पैसों पे अटैक करती है, तो आपका लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, मनी के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए एक बिना तंत्र मंत्र का एक छोटा सा मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग आप रात्रि में करेंगे और सोते हुए करेंगे। और ये प्रयोग में दोस्तों आपको बस एक चीज का याद रखना है कि ये तंत्र शास्त्र का एक टोटका है, तो घर के मेंबर्स को पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर किसी को आपको ये पता बताना नहीं है, और गुप्त रूप से करना है, क्योंकि टोने टोटको में टोक लग जाती है तो ये वर्क नहीं करते हैं, है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल और भी क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और आपको किसी भी रेमेडीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब तक आप उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करते हैं, जब तक अपने बर्थ चार्ट को बैलेंस नहीं करते हैं, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं हूं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सबकी जितनी रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी को रिजल्ट देती हैं, किसी को नहीं देती हैं, है ना। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कोई रेमेडीज वर्क नहीं कर रही, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लें। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई उपाय किए जाते हैं तो वो 100% वर्क करते हैं, रिजल्ट देते हैं, है ना। और यदि आपका बर्थ चार्ट यदि कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 11 से 21 दिन में देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपका समाधान दिया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। और इस प्रयोग को दोस्तों आप यदि शनिवार से स्टार्ट करते हैं या अमावस्या से करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा अर्जेंट डेट आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, विश्वास होना चाहिए, बस आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तो किसी भी दिन कर सकते हैं, नहीं तो अमावस्या शनिवार से इसको प्रयोग को शुरू किया जा सकता है। आपको एक कोरा पेज लेना है बिना लाइनिंग वाला, ठीक है, और आपको काजल की एक न्यू डिब्बी लेकर के आनी है। एक काजल की न्यू आपको एक डिब्बी लेकर के आ जाए, और इसमें आपको क्या करना है, अगर हो सके तो अनार की कलम से, अगर अनार की कलम नहीं है तो लोहे के तार से, तांबे के तार से, गुलाब की कलम से, चमेली की कलम से, इन चीजों में से किसी भी एक कलम से चौकोर साइज का एक कागज लेना है आपको, और आपको चारों कोनों में लिख देना है हाय, ठीक है। हाय जो होती है दोस्तों ये सबसे बैड एनर्जी है। कोई ये क्या होता है कि कभी कभी हमारे कोई काम हम अच्छा कर रहे हैं, काफी लोगों की जेलस होती है, काफी लोग भर नजर से देखते हैं, काफी लोग ऐसी बैड एनर्जी क्रिएट करते हैं जो हमारे ऑरा को दूषित कर देती है।
तो इसको दूर करने का, इस हाय को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, काजल से चारों तरफ आपको लिख देना है हाय, सिर्फ चार कोनों में लिखना है। इसको फोल्ड करके सीधे हाथ में रखें और अपने ऊपर से आपको 9 बार इसको उबार लेना है, ठीक है, क्लॉक वाइज उबारेंगे। और ये प्रयोग आप करेंगे रात्रि में जब सोने जाने लगते हैं तब आपको इस प्रयोग को करना है, ठीक है। जब रात में सभी कामों से फुर्सत हो जाते हैं, खाना पीना वगैरह खा लिया, अब आपको लग रहा है कि आपको सोने जाना है, थोड़ा सा हाथ पैर मुंह वगैरह धो लें, ठीक है, उसके बाद में इस प्रयोग को करें। 9 बारी इसको आपने अपने ऊपर से उबारा, अब इसको किसी पात्र में रख करके आपको जला देना है। इसकी जो ऐस बचती है, जो भस्म है, इसको आप चाहें तो राती में ही घर से बाहर कोई नाली है, गंदा नाला है वहां, नहीं तो आपके घर में ही अपने टॉयलेट में इसको फ्लैश कर दें। ये क्रिया आप दोस्तों कंटिन्यू करेंगे 21 डेज तक या फिर 41 डेज तक। यदि 21 डेज में आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ समस्याओं का समाधान हो चुका है, तो आप स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो इसको 41 डेज तक कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये एनर्जी, अपने बैड एनर्जी को ही आपको जलाना है, अपने ऑरा को आपको क्लियर करना है, आपको अपने आपको पॉजिटिव एनर्जी में रखना है, और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस प्रयोग को करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे। घर बैठे किसी के हेल्प करने का एक मौका मिल रहा है तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें, आपको 100% हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।